नमस्कार, मैं सिमी आपके साथ। आप लोगों ने अक्सर ही सुना होगा कि बुजुर्गों से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे उम्र और तजुर्बे में कहीं हमसे बड़े हैं। जानना चाहते हो कि कैसे? तो सुनो, एक बार एक बुजुर्ग एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। संयोग से उस दिन ट्रेन का कोच भी खाली था। उसी कोच में 8-10 बदमाश लड़के चढ़े और वे मस्ती करने लगे और बोले, चलो ट्रेन की जंजीर खींचते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोला, अगर जंजीर खींची तो 500 रुपये का जुर्माना लग जाएगा, ये 6 महीने की जेल हो जाएगी। तभी उनमें से एक बोला, अरे अभी तो हमने चंदे से कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, उसमें से ही 500 रुपये दे देंगे। अब उनमें से एक लड़के ने पैसे गिनने शुरू कर दिए, जिसमें 3 200 के नोट, 2 50 के नोट और बाकी 100 के नोट थे, यानी पूरे रुपये मिलाकर 1200 रुपये थे। सारे पैसे गिनकर उनमें से एक लड़के ने अपनी जेब में रख लिए। अब उसने कहा, चलो अब जंजीर खींचते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोला कि मेरे पास एक तरकीब है, अगर कोई पूछेगा ना कि जंजीर किसने खींची है, तो हम उस बूढ़े का नाम लगा देंगे, इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे और जंजीर भी खींच जाएगी। वे बुजुर्ग आदमी सब कुछ देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। वे पहले तो चुप रहे, लेकिन इतनी बात सुनने पर वे बोले, बेटा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो। तभी लड़के नहीं माने, उन्होंने जंजीर खींची दी। रेलगाड़ी रुक गई और टीटी सिपाही के साथ उस कोच में आया। उसने पूछा कि चेन किसने खींची थी। तभी लड़कों ने उस बुजुर्ग का नाम ले लिया। टीटी ने उस बुजुर्ग से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में इस तरीके की शरारत करते हुए। तभी वे बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने जंजीर खींची थी। टीटी ने उसकी मजबूरी का कारण पूछा, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको जंजीर खींचनी पड़ी। तभी वे बोले, मेरे पास 1200 रुपये थे, जिसमें 3 200 के नोट, 2 50 के नोट और बाकी 100 के नोट थे। आप चाहें तो इस लड़के की तलाशी भी ले सकते हैं, जिसे इन लड़कों ने छीन लिए थे। तलाशी लेने पर उस लड़के की जेब से वो पैसे मिले। अब उन लड़कों को पुलिस अपने साथ ले गई और रुपए बुजुर्ग को दे दिए। लड़कों ने जाते जाते बुजुर्ग को घूर कर देखा। तभी बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं कर रखे, मैं तुम जैसे लड़कों की शरारतें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसलिए तो कहते हैं, बुजुर्गों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो उनको फंसाते फंसाते कहीं खुद ही फंस जाओ। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।